पहला क्वेश्चन देखिए, गोबी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके एग्जाम में दोस्तों लोक नृत्य से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे गारंटी से, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक या दो तो पूछे ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि गोबी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, बाथाकम्मा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। देखिए, बाथाकम्मा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों ये भी आंध्र प्रदेश राज्य का है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपकी तैयारी चेक हो जाए। और लास्ट में दोस्तों बताना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे बताएगा? भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, देशबंधु के उपनाम से किसको जाना जाता है? देशबंधु के उपनाम से चितरंजन दास को जाना जाता है दोस्तों, देशबंधु के उपनाम से। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर आपने गुरुकुल एकेडमी का मास्टर पीडीएफ नहीं लिया है तो आप जल्दी से इस मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी करें, सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए, 500 रुपये की पीडीएफ आपको 100 रुपये में मिल रही है, 80% का डिस्काउंट चल रहा है। फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से 8395 9686 पर दोस्तों 100 रुपये ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर शेयर करना, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर ऑनलाइन डाउनलोड करने का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूँ पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके के टॉप 12,000 क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑप्शन में और हिंदी माध्यम में। मास्टर पीडीएफ है, जल्दी से दोस्तों आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। सिर्फ 100 रुपये में पीडीएफ मिल रही है, 100 रुपये बहुत ही दोस्तों मिनिमम प्राइस इस पीडीएफ का रखा हुआ है आपके लिए, ब्रह्मास्त्र रामबाण है बिहार पुलिस के लिए। जल्दी से इस पीडीएफ को लीजिए और तैयारी को मजबूत बनाइए, सिलेक्शन लीजिए। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कहाँ? झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु रामदास थे शिवाजी के धार्मिक गुरु। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गोगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है गोगामल नेशनल पार्क। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? कब आई थी? 1929 में, 1929 में आई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की स्थापना अक्टूबर 1990 में हुई थी, अक्टूबर 1990। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में आयर जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तेजल मेहता को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, काठी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है काठी लोक नृत्य। ठीक है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लोह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोह स्तंभ को बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन
सोयाबीन में पाया जाता है, कितना 42%। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से भारत किस स्थान पर रहा है, भारत का स्थान कौन सा रहा, भारत रहा 135वें स्थान पर, कौन से स्थान पर 135वें स्थान पर, सी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है कौन सा देश, स्विट्जरलैंड रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये याद रखना सभी, असम राज्य में है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है असम में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है बताएगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कौन सा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एग्जाम में आ जाए दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएगा फटाफट एक बार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम राज्य में है, किस राज्य में, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है नेक्स्ट देखिए स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, स्मृति मंधाना का संबंध है क्रिकेट से, किससे है दोस्तों क्रिकेट से है स्मृति मंधाना का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट डंडारिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, जल्दी से आंसर देंगे सभी, डंडारिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, तो किसे कहा था भीख मांगने वाली संस्था, किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी थे, कौन थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से, मैग्नस कार्लसन का संबंध है शतरंज से, तो भी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर शतरंज। नेक्स्ट हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है, तो ये होता है 624 दिन का, हाथी का गर्भाधान काल 624 दिन का होता है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ब्लड कैंसर को, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, तो ये मापा था इरेटोस्थनीज ने, डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, तो ये किया था 1905 में बनारस अधिवेशन में, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कोमिनागा किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये है दोस्तों किस राज्य का, नागालैंड राज्य का है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नागालैंड। नेक्स्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था कौन सी थी, तो इंडियन एसोसिएशन थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में योजना प्रिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई, तो ये वरीयता दी गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी दोस्तों, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है शिव समुद्रम बांध जो कि कर्नाटक राज्य में है किस नदी पर स्थित है, ये तो ये है कावेरी नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है ढोलू कुनिथा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह है कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सबरीगिरी बांध जो कि केरल राज्य में है किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये तो सबरीगिरी जो बांध है ये पंबा नदी पर स्थित है,
पंबा नदी। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, पंबा नदी। नेक्स्ट है, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तीसरी योजना अवकाश की अवधि 1990 से 92 थी। डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है शीर्ष स्थान पर? तो ये रहा है दोस्तों कौन सा, डेनमार्क रहा है, डेनमार्क, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डेनमार्क। नेक्स्ट है, देखिए मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोचमपाद बांध तेलंगाना किस नदी पर है? पोचमपाद जो बांध है तेलंगाना राज्य में है और ये किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वांचो नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? वांचो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख नृत्य। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पासी कोंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों किस राज्य का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ 1952 से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1952। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? दोस्तों कब किया था? 1856 में किया था, 1856। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक कौन है? स्वामी विट्ठलनाथ, स्वामी विट्ठलनाथ। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ढालो नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ढालो नृत्य ये है गोवा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से? संकेत महादेव सरगर का संबंध है किस खेल से? तो ये है भारोत्तोलन से। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, भारोत्तोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो यह बजाया जाता है सारंगी। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीर्तन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? कीर्तन यह है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? यानी किस श्रेणी में आता है दोस्तों? ये इंडिया फोन। करताल किस श्रेणी में आता है? तो ये इंडिया फोन की श्रेणी में आता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? 23 दिन 23 टेस्ट, ब्रह्मास्त्र टेस्ट। देखिए जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है दोस्तों? भारोत्तोलन से है, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भारोत्तोलन। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है दोस्तों छोटा नागपुर की रानी के नाम से? तो झारखंड के नेत्राहत को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अनामिका पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, कूद नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर राज्य का ये प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, कूद नृत्य। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हफीजा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? हफीजा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य का। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, व्यास गुफा कहां स्थित है?
व्यास गुफा, बताएगा जल्दी से। व्यास गुफा कहाँ है दोस्तों? बद्रीनाथ में है व्यास गुफा, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुब शाह वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर देना है तो याद रखना, आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह, ऑप्शन ए रहेगा दोस्त राइट आंसर, आदिल शाह। नेक्स्ट, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 25 से 28 करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है? होकाइडो द्वीप कहाँ है दोस्तों? जापान में स्थित है होकाइडो द्वीप, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जापान, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है दोस्तों पर्वतों की रानी के नाम से? तो उत्तराखंड के मसूरी को जाना जाता है पर्वतों की रानी के नाम से, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया है जल्दी से क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट है, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेपल का पत्ता कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है, कनाडा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रामगंगा बांध जो कि उत्तराखंड में है किस नदी पर स्थित है? रामगंगा बांध जो है ये रामगंगा नदी पर स्थित है दोस्तों, किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा है? सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा सबसे बड़ा भारतीय कुरंग है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है करीन जीन पियरे, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, सैयद वंश के संस्थापक थे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खिजर खां, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना जाता है? महाभारत को माना जाता है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, महाभारत। नेक्स्ट है, देवदास के लेखक कौन है? जल्दी से दोस्तों बताएगा फटाफट, देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, चोल वंश का संस्थापक माना जाता है विजयालय को, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार हरियक वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है सैला नृत्य, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कैटलिन नोवाक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों? फुटबॉल से है,
संतोष ट्रॉफी का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, फुटबॉल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? शतरंज से है कोनेरू हम्पी का संबंध, शतरंज बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शतरंज। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान, फरीद खान ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? 17 तारे होते हैं दोस्तों भारतीय रेलवे के प्रतीक में, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? नौसेना का सबसे ऊंचा पद है एडमिरल, एडमिरल नौसेना का सबसे ऊंचा पद है, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है दोस्तों? तो यह है पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? कौन थे दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? माहेश्वर में थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी, ठीक है, कहां थी? माहेश्वर में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? हैदर अली नाम था टीपू सुल्तान के पिता का, ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है दोस्तों ब्रह्मा का मंदिर, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी अपनी पत्नी के लिए बीबी का जो मकबरा है ये बनवाया था 1678 में, 1678 में बनवाया था, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वी कुंजमणि का संबंध किस वाद्यंत्र से है? वी कुंजमणि का संबंध किस वाद्यंत्र से है दोस्तों? तो ये बांसुरी से है, वी कुंजमणि का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बांसुरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये हुआ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1906 में, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किस कारण से? स्वदेशी आंदोलन 1906। नेक्स्ट है, निम्न से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो ये किया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 11 है मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या। देखिए नेक्स्ट है, एन नीला का संबंध किस वाद्यंत्र से है? एन नीला का संबंध किस वाद्यंत्र से दोस्तों? बांसुरी से है, एन नीला का संबंध, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बांसुरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है?
तो ये है दोस्तों किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बौद्ध धर्म बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शारदा एक्ट का संबंध किससे है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है दोस्तों, बाल विवाह से है शारदा एक्ट का संबंध, बाल विवाह डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट समुद्र पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, 23 दिन बचे हैं एग्जाम में, 23 दिन 23 टेस्ट मिलेंगे आपको, 23 दिन 23 टेस्ट, ठीक है 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के टेस्ट भी आपको मिलेंगे, 23 दिन 23 टेस्ट, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कम से कम आपको करवाएंगे, तो डेली क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं कैसे भी लाइक कर देंगे, जल्दी से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। समुद्र पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, लक्षद्वीप को जाना जाता है समुद्र पुत्र के नाम से। नेक्स्ट संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष है दोस्तों, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 21 वर्ष। नेक्स्ट गीता रहस्य के लेखक कौन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य के लेखक, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों, तो याद रखना अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, कौन सी पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर लेबर पार्टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं, क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से सभी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।